चलिए बात खबरों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासन की। अधिनियम पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र कानून यानी कि पैसे के प्रारूप को छत्तीसगढ़ की भूपेश कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी। उसे अब विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले यह अधिनियम बीते 4 दिसंबर को टंटिया भील के बलिदान दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में लागू कर दिया गया था, जिसका ऐलान खुद प्रदेश के सीएम शिवराज ने किया था। हालांकि इस विधेयक को लेकर आदिवासी स्वशासन और अधिकारों को लेकर संघर्षरत व्यक्तियों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका आरोप है कि पैसे के लगभग 25 बरस बाद मनाए गए इन नियमों ने संसद की ओर से पारित अधिनियम की भावना को ही बदल दिया है। इनका यह मानना है कि पैसा नियम 2021 की आड़ में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार अधिनियम के प्रावधानों को बदलना चाहती है। उनकी प्रमुख जो आपत्ति है नियमों को लेकर, इसकी आड़ में पैसा कानून 1986 की धारा के अनुसार पारंपरिक ग्राम सभा के गठन को मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 5 से बदला जाना है। और भोपाल से अमित चौरसिया और कुलभूषण भी हमारे साथ में बने हुए हैं। पहले हम भोपाल की ओर रुख करेंगे, अमित चौरसिया की ओर रुख करेंगे। अमित, इस पूरी मामले को अगर देखा जाए, जो इसके प्रारूप को बदलने की बात भी सामने आ रही है, इसे कैसे करके देखा जाए? गीतांजलि, मैं रायपुर से बोल रहा हूं और अगर हम बात करेंगे पेशा कानून की, तो कहीं ना कहीं अब पेशा कानून को भूपेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी और अब इसे मानसून सत्र, जो कि अभी 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आहूत किया गया है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र, तो उसमें इस कैबिनेट में इसे वहां पर मंजूरी दी जाएगी और वहां पर विधेयक पारित कराया जाएगा। तो एक तरह से सत्ता पक्ष ने एक बहुत बड़ा एक ट्रंप कार्ड खेला है आदिवासियों के हित में। तो कहीं ना कहीं जिसकी मांग लंबे समय से छत्तीसगढ़ में हो रही थी कि पेशा कानून यहां पर आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया जाए और ये एक तरह से कानूनी मान्यता देता है आदिवासियों के स्वशासन को लेकर, तो यहां पर ये पेशा कानून को लेकर भूपेश सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया है। कल इस बैठक में इस पेशा कानून को मंजूरी दी गई और अब इसे विधानसभा के सदन पर इसको प्रस्तुत किया जाएगा और इस पर जब ये पारित हो जाएगा तो उसके बाद इसका सारे ड्राफ्टिंग तैयार होगी। तो एक तरह से कहा जाए कि 24 दिसंबर 1996 को पूरे देश में पेशा कानून लागू हुआ था, लेकिन उसके बाद जब से छत्तीसगढ़ बना है आज 22 साल हो गए और 22 सालों बाद कोई सरकार यहाँ पर आदिवासियों के हित में एक बड़ा फैसला लेने जा रही है और पेशा कानून को लागू करने की कवायद करती नजर आ रही है। ना केवल इससे आदिवासियों का हित होगा और बल्कि वो स्वशासन की ओर बढ़ते नजर आएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और ये निर्भरता बहुत जरूरी है आदिवासियों के लिए। काफी वक्त से जो है वो काम हो रहा है, कई तरह की योजनाएं उनके लिए, और अब ये बदलाव उनके लिए कैसा रहेगा या ये नया प्रारूप उनके लिए कैसा रहेगा? आइए कुलभूषण की ओर भी रुख करते हैं, भोपाल से हमारे साथ बने हुए हैं कुलभूषण। मध्य प्रदेश के सीएम ने ये ऐलान किया था, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है आदिवासियों के लिए ये कानून लाने की, जो विधेयक लाने की जो बात हो रही है, इसे कैसे देखा जाए? देखिए, 1996 में ये कानून विधेयक लाया गया था और 1996 में ये कानून बनाया गया था। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा राजधानी भोपाल में 4 दिसंबर 2021 को हुआ था, तो उस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कानून को लागू करने की बात कही थी। आदिवासियों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था और इस आदिवासी सम्मेलन में पैसा कानून के तहत जो है इसकी घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी और इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, क्योंकि आदिवासी अंचल के जो निवासी हैं वहां पर जो अक्सर हम घटनाएं देखते हैं, इसके साथ ही जो जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो एक अधिकार है वो यहां पर आदिवासियों को दिए गए हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, और कहीं ना कहीं इस कानून को लागू करने के बाद जो आदिवासियों के जीवन है उन पर भी जो है बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन लगातार जो है कांग्रेस इसका विरोध करती नजर आ रही थी और जब ये एक्ट कानून मध्य प्रदेश में लागू किया गया तो यहाँ पर ये कहा गया कि आदिवासियों के या ग्रामीण क्षेत्रों के हित के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है, लेकिन इस पर जो है राजनीति होना शुरू है, इसकी शुरुआत हो रही है कुलभूषण, और एक बेहतर कदम है क्योंकि आदिवासियों के लिए इस तरह के कदम उठाने की जरूरत भी है।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुलभूषण, और अमित आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने हालांकि ऐलान किया था और अब इस पर काम हो रहा है, और ये विधेयक एक ऐसा कानून जो आदिवासियों के लिए काफी बेहतर रहेगा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।